हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ बिगनर्स पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कैसे कर सकते हैं, और वो भी पैंट के नाप से। तो हम कपड़े के ऊपर पैंट रख के पैंट की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करना दोनों मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देरी ना करते हुए चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हमें चाहिएगी एक नाप की पैंट जिस नाप से हमें बनानी है, और 2.25 मीटर हमें चाहिएगा कपड़ा। कपड़े को हम ओपन करेंगे और उल्टी साइड ऊपर रखते हुए हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। कन्नी मेरे अपोजिट साइड है, अच्छे से सेट कर देंगे इसको। अब इसके ऊपर हम जो नाप की हमारी पैंट है वो रखेंगे। क्रोच एरिया से हम इस प्रकार से 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए नीचे तक मार्क कर लेंगे। इधर की साइड हम 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए मार्क करेंगे। इधर क्रोच एरिया का मार्क इस प्रकार से करेंगे, यहाँ से ऐसे गोलाई देके। अब हम इसको पूरा सीधा कर देंगे क्योंकि इलास्टिक डाला हुआ इसमें, इसलिए सिकुड़ा हुआ यहाँ से 4-5 इंच। और ये लंबाई का मार्क है, यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। अब इस पैंट को हम हटा देंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ऊपर से हमें जितना आपका इलास्टिक है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि मेरा 2 इंच चौड़ा इलास्टिक है तो मैंने 2.5 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लिया है जो हमारा इलास्टिक में फोल्ड होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे हम कटिंग बैक पार्ट की, देखिए हम ऊपर से अलग से करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और पीछे से मैं इसको इस प्रकार की कटिंग करूँगी कि आपकी पैंट जो है पीछे से नीचे नहीं गिरेगी जब आप बैठते उठते हो। यहाँ से हमें 2 पार्ट उठाने हैं और सिर्फ 2 पार्ट की कटिंग करनी है। और यहाँ पर कट लगा लेंगे नीचे की साइड। अब ये 2 पार्ट हटा देंगे और यहाँ पर इस प्रकार से ऊपर वाला कपड़ा भी हटा देंगे। अब यहाँ पर हमें 3 इंच पे मार्क करना है। इस मार्क को हम इस प्रकार से लेकर जाएंगे क्रॉस में और यहाँ पर मिला देंगे, तो हमारा बैक का जो आसन है वो बड़ा हो जाएगा और इससे हमारी पैंट जो है वो बैठने से खींचेगी नहीं पीछे से। तो ये एक ट्रिक है जिससे आपकी पैंट नहीं खींचेगी। इस प्रकार से कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हमें देखिए आगे और पीछे वाले पार्ट हमारे दोनों अलग अलग हैं, तो हमें यहाँ पर आसन की सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई लगाने का भी मैं तरीका बताऊंगी जिससे आपकी आसन में से पैंट नहीं खींचेगी। यहाँ लाने के बाद आपको 1 इंच कपड़ा छोड़ देना है, पूरा नहीं सिलना है। उसके बाद हम ओपन करेंगे इसको, फैला लेंगे कपड़े को और इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए फिर हम इसको स्टिच करेंगे जिससे धागे वागे नहीं निकलेंगे बाद में। और इसको फोल्ड करके वहीं तक सिलाई करेंगे हम। 1 इंच यहाँ पर छोड़ देंगे, फिर से पूरे में सिलाई नहीं लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी पैंट जो है अंदर की साइड से खींचेगी नहीं। ये देखिए सेम तरीके से मैंने बैक पार्ट को भी इसी प्रकार से रेडी कर लिया है। अब हम सीधा करेंगे बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे। दोनों को फेस करके मिला देंगे सीधी साइड और ये साइड वाली सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से ये सिलाई हमें शुरू करनी है और नीचे जाते जाते हमें 4 इंच पे सिलाई रोक देनी है जो हमें साइड वाला कट बनाना है। तो नीचे जाके मैं आपको बता देती हूँ साइड वाला कट हमें किस प्रकार से रेडी करना है। यहाँ लाके हम 4 इंच पे एक इस प्रकार से छोटा सा कट लगा देंगे और यहाँ 4 इंच तक नीचे से ओपन रखेंगे और यहाँ पर हम पक्का करके निकाल देंगे मशीन से। ये देखिए सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। नीचे से 4 इंच पे इसमें भी कट लगा लेंगे और अब हम इसको फैला लेंगे, उल्टी साइड ऊपर रखेंगे इसकी और यहाँ पर हमें इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लेना है। बारीक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर ताकि फिनिशिंग अच्छी आए और इस प्रकार से मशीन को घुमा के दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे।
कहीं पर आप कंफ्यूज होते हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आपको जवाब दूंगी। अब हमें नीचे से इसको फोल्ड कर लेना है, अभी इसको हम बाद में फोल्ड नहीं करेंगे, अभी फोल्ड कर लेंगे ताकि हमें टाइट लूज करनी होगी नीचे से तो उसमें आसानी रहेगी बाद में। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड की मोरी को भी फोल्ड कर लेना है। अब हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है यहाँ से, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था तो 1 इंच कपड़ा ही हमें छोड़ते हुए ये सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई हमें डबल लगानी है, तो हम देखिए दूसरी मोरी से नाप लेते हैं, फिक्स नाप से ही हमें मोरी की फिटिंग करनी है। अब मैंने 2 पॉइंट कपड़ा सिलाई छोड़ते हुए फिर से एक सिलाई और लगा ली है। इन फ्यूचर अगर आपको लूज करनी हो पैंट तो लूज भी कर सकते हैं अंदर वाली सिलाई को निकाल कर। अब हमें ऊपर की साइड से 1/2 इंच कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करके इसके ऊपर पूरे में राउंड में सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई आप बड़ी बड़ी भी लगा सकते हो, यानी कि कच्ची सिलाई इसको कर सकते हो। पॉकेट की वीडियो मैंने नहीं बनाई है, पॉकेट मैंने लगाई है, उसकी वीडियो मैंने अलग से मेरे चैनल पर डाल रखी है। अब हमें इलास्टिक लेना है, जितनी आपकी कमर है उससे आपको 4 इंच कम लेना है, यानी कि अगर 34 इंच कमर है तो आपको 30 इंच का ही इलास्टिक लेना है। अब हमें इलास्टिक को यहाँ से ज्वाइंट कर लेना है 2-3 बार सिलाई लगा के। ध्यान रहे मैंने पीछे की साइड से इलास्टिक लगाना शुरू किया है, सेंटर पार्ट से, सेंटर पार्ट में ज्वाइंट को रखा यहाँ पर और इलास्टिक इधर उधर ना खिसके इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया है। अब आप ध्यान से देखिए कि मैंने कहाँ से किस प्रकार से इलास्टिक लगाया है। तो बैक पार्ट देखिए हमारा क्रॉस एरिया था, तो यहाँ पर हमें छोटी छोटी एक एक चुन्नट बनानी पड़ेगी इसमें इस प्रकार से। ये देखिए झोल आ रहा है तो इसमें हमें छोटी छोटी चुन्नट बना देनी है। ध्यान रहे हमें बिल्कुल किनोर किनोर पे सिलाई लगानी है और इलास्टिक के ऊपर सिलाई हमारे नहीं लगनी चाहिए। इलास्टिक को खींच लेंगे, खींच कर फिर हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। ये सिलाई हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है क्योंकि इलास्टिक दबने के चांस ज्यादा रहते हैं इसमें, तो ध्यान से आपको सिलाई लगानी है ये वाली। और ये पूरी सिलाई लगने के बाद हमें क्या करना है, पूरे इलास्टिक को पूरे में घुमाने के लिए इस प्रकार से पकड़ पकड़ के 2-3 बार हमें खींच देना है इलास्टिक को। अब हमें एक सिलाई और लगानी है इसके ऊपर, तो सेंटर पार्ट में हमें ये सिलाई लगानी है। आगे से और पीछे से हम इलास्टिक को पूरा खींच लेंगे, कपड़ा जितना हमारा फैल रहा है उतना ही, और हल्का सा हमें पीछे प्रेशर देना है ताकि हमारा कपड़ा जो है पीछे की साइड इजीली निकल जाए। और इस प्रकार से हमें इस इलास्टिक को सेट कर लेना है। ये सिलाई मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमारा इलास्टिक जो है पैंट के अंदर इधर उधर ना घूमे बाद में, उससे क्या होता है इलास्टिक फोल्ड हो जाता है बाद में, तो वो नहीं होगा। हम देखते हैं रेडीमेड पैंट के अंदर इसी प्रकार से इलास्टिक लगा हुआ होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए। ये देखिए इसका फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।